वाह, पूरा स्कूटर ही खड़ा कर दिया यहाँ पे। तो गाइस कैसा लग रहा है मेरा लुक, कमेंट करके बताना, अगर चाहिए तो मैं ये ले लूंगा। Hey guys, good morning, welcome back to Rajvi Vlogs. कैसे आप सब लोग? तो मेरा व्लॉग एडिट हो चुका है, मैंने आज सुबह, मैंने कल रात को नहीं किया था आने के बाद, तो बस थका हुआ था। हालांकि मैं इससे पहले भी नहीं कर सकता था क्योंकि कल सुबह तो मम्मी के साथ ही काम करा रहा था, फिर उसके बाद चला गया था अपने काम से, फिर रात को आया लेट, तो फिर रात को सो गए थे, रेस्ट कर रहा था। तो अभी एडिट किया है और अभी 11 बज चुके हैं, आज का व्लॉग मेरा लेट है, तो बस ये सेव हो जाए, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। और ब्रेकफास्ट में फाइनली बहुत टाइम के बाद आ गए हैं मेरे ब्रेड ऑमलेट, और जो कि इमलता भी खा रही है, और आज हम सारे ब्रेड ऑमलेट खा रहे हैं। आज वैसे भी आज फ्राइडे है क्योंकि फ्राइडे इमलता का चलता है ना, गिने चुने दिनों में चलता है। तो चलो गाइस ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। और आज मुझे जाना है अपना लुक चेंज करने के लिए, और भी बहुत सारे काम है, मार्केट भी जाना है, और शायद आज आशिष्टी के स्कूल भी जाना है ना, रिजल्ट है। 12 बजे तक 11:30 हो गए। अच्छा 12 बजे तक जाना था, तो चलो कोई नहीं, वो तो हम वैसे ही पूछ लेंगे पास है या फेल है। वैसे आजकल के बच्चे तो पास हो ही जाते हैं, स्कूलों में ये तो होता ही है कि फेल तो कर ही नहीं सकते है ना, बच्चा वीक होता है तो भी पास कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है, 60 सही है अच्छे पढ़ने में। चलो गाइज ब्रेकफास्ट करते हैं। A few hours later. So hey guys, good evening. So शाम हो रही है सीधा अभी, और 5 बज चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं मार्केट। तो मार्केट से पहले बन गई थी हमारी चाय, देखिए हमारी चाय ये बन चुकी है ऑलरेडी, ये हेमलता बना के गई है, और हेमलता उधर खड़ी है सामने, मैं दिखा दूँ सामने वाले आंटी के घर पे वहाँ पर, बिकॉज जैसे कि मतलब वो सिस्टी के लिए डेली फूड देती थी ना नवरात्रों में, तो वो बर्तन लौटाने के लिए गई है। अभी हम बस चाय पी के और निकल रहे हैं, और गाइज अब जाके फाइनली मैं हेयर कट कराऊंगा और बियर्ड कराऊंगा, कुछ मार्केट से कपड़े भी लेने मतलब सिस्टी के लिए। मैं तो एक आधा अगर टी शर्ट मुझे समझ में आएगी तो मैं टी शर्ट ले लूंगा, और शर्ट देख लूंगा, या तो मतलब कुछ बहुत ज्यादा मेरी नहीं होगी, सिस्टी की सबसे ज्यादा होगी। हेमलता का तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं कपड़े वगैरह, तो बस जल्दी से चाय खत्म करते हैं फिर मिलते हैं वहाँ पे, और देख मैं भी देखना चाहता हूँ, बस जल्दी से गेटअप चेंज कराना चाहता हूँ। तो चलो चाय पीते हैं फिर निकलते हैं। और मेरी एडिटिंग हो चुकी है, मैंने सुबह एक व्लॉग अपलोड करके आज 12 बजे अपलोड किया था, जो कि काफी टाइम से गैप हो गया था ना कि व्लॉग में अपलोड नहीं कर रहा था, और उसके बाद फिर दोबारा एक व्लॉग और एडिट किया जो कि कल बनाया था, वो कल जो कि कल पोस्ट होगा, मैं एडवांस में एक व्लॉग एडिट करके मैंने रख दिया इसीलिए। और गाइस बाहर का वेदर अभी भी बारिश वाला हो रहा है मौसम, और अभी भी हल्की हल्की हवा चल रही है बाहर, मस्त मौसम हो रहा है, बारिश का अभी भी मौसम बना हुआ है। और गाइस आज की चाय बाहर से लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि है ना पहाड़ों में बैठे हैं। और गाइस जो भी हुआ ना मैं बता नहीं सकता आपको। ये कितनी तेज आंधी चलने लगी गाइस, बहुत तेज हम हो गई है आंधी शुरू, और हम तो चल दिए। ये देखो भाई, हाँ रिपीट रिपीट किसमें, ये किसी पन्नी में भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, जैसे बोला था वो हो गया नहीं 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 हुआ, मैंने सुना पर किसी पन्नी में नहीं, किसी पन्नी में भी ना डाला। आई जाते हो हरियाणवी लैंग्वेज पे है, हरियाणा क्यों तो आऊंगी नहीं, और यो और यू कैसा हुआ पड़ा है। तो गाइस ऐसा है कि अभी देखो आंधी हमारे निकलते ही ना आंधी तो शुरू हो गई है, खैर हमें जाना है गाड़ी में तो वो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आंधी आए चाहे बारिश आए, और हेयर कट भी हमारा अंदर ही होगा बैठ के, तो बाहर तो कोई हो, बाहर तो बैठ के होना नहीं है, तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर जब मार्केट में जाना है तब इफेक्ट पड़ सकता है, बस बारिश ना हो तब। तो चलो हम खा लेंगे, कोई बात नहीं, थैंक यू। और गाइज हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना तो भूलिए आप लोगों को कि सृष्टि जा रही है नानी के यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए 3 से 4 दिन के लिए, तो हमारा कुछ काम पेंडिंग है तो हमें वो सब काम करने हैं। और दूसरा हमारा जो जिम है ना वो कई टाइम से हमने कंटिन्यू नहीं किया था, बिकॉज ऑफ जब हम ट्रिप पे जा रहे थे तब छूट गया था, फिर होली भी थी साथ में, फिर उसके बाद तो मेरी तबीयत ही खराब हो गई थी, और फिर घर में ऐसा ही माहौल बना हुआ था सबकी तबीयत का ही, तो बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो गई थी, तो इसीलिए वो
मतलब इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे तो हम ना पड़े रहेंगे और यही सोचते रहेंगे माइंड में कि यार नहीं बॉडी वीक है, बॉडी वीक है, तो नहीं अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि कल से हम करते हैं ज्वाइन और देखते हैं, बिकॉज अब पेमेंट तो की हुई है ना पहले ही, तो इसीलिए। तो अभी मार्केट, अभी सीधा पहले हेयरकट के लिए जाते हैं, तो वहीं मिलता हूँ आप लोग। चलो आगे आने वाले ब्लॉग में कुछ दिन तक सिस्टी नहीं दिखाई देगी। हाँ हम दोनों ही दिखाई देंगे, हम दोनों ही दिखाई देंगे। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, हम रंग से पंगा मत लेना मेरे यार, वो हमें तो क्या जाता है। तो गाइज अभी हम सिस्टी के ऐसे हेयर कट करा रहे हैं, देख रहे हो आप, ये वाला हेयर कट हम सिस्टी का कराने जा रहे हैं। तो गाइज सिस्टी का नया लुक, सिस्टी के हेयर छोटे हो चुके हैं, और ये पता है क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये पता है, जला रहे हैं ये बाल। तो गाइस ये मेरा हेयर कट है, इस बार को थोड़े से ज्यादा छोटे हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं शायद अभी चिपके चिपके हो रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, पर ठीक है अब टोटली लुक चेंज हो गया है। मैंने वैसे बीएड और ये सब भी करा ली थी, हेयर कट भी साथ में करा लिया, पर अभी जाने में टाइम है ना, तकरीबन अभी एक हफ्ता है जाने में, तो तब तक बीएड फिर से हो जाएगी, तो मैं बीएड तो मैं फिर से कर लूंगा, पर हेयर कट इसलिए मैंने पहले करा लिया कि कोई एक्सपेरिमेंट होता भी है, पर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि हेयर ज्यादा शॉर्ट हो जाएंगे, पर इस बार ज्यादा शॉर्ट हो गए। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस सिस्टी को ड्रॉप करने के लिए, फिर हम देखेंगे अपना खाने पीने का जुगाड़, क्योंकि अभी 8 तो बज ही चुके हैं, करेक्ट 8 बज गए हैं। बाय, एंजॉय करना 4-5 दिन। और गाइस सिस्टी का बैग वैग सब रख दिया सामान, जा रही है सिस्टी नानी के घर। तो गाइस सिस्टी को ड्रॉप कर दिया है, और अभी यहाँ जहाँ सिस्टी को ड्रॉप करने आए थे ना, मेरी ससुराल के पास एक शॉप है जहाँ से पहले इमलता ने एक शर्ट ली थी मेरे लिए, तो मैं मुझे एकदम से याद आ गया कि यहाँ पर भी एक शॉप है, तो वहाँ ट्राई कर लेते हैं। तो चलो पहुँच गए हैं शॉप पे, मैंने बाहर बहुत शॉर्ट था ना, तो मैंने गाड़ी में बैठ के ही शॉर्ट ले लिया। चलो बिकॉज गाइस अभी है ना मार्केट में, मार्केट बंद हो चुकी थी इस टाइम पे, और हमारे पास टाइम ज्यादा है नहीं। वाह पूरा स्कूटर ही खड़ा कर दिया है अबे, नहीं इधर स्कूटर, उसकी गर्दन गायब है, उसकी आंखें नहीं है। तो गाइस कैसा लग रहा है मेरा लुक कमेंट करके बताना, अगर चाहिए तो मैं ये ले लूंगा, नहीं तो अदरवाइज मैं इग्नोर करूंगा। नहीं अच्छा लगेगा, हाँ मतलब वही अच्छा लगेगा तो मैं ले लूंगा। वैसे तो मैंने हेयर कट भी कराया, तो न्यू लुक तो ऑटोमेटिकली हो गया है, बट मेरा बहुत मन है। और ये गाइस एक ही और ट्राई किया, पर अंधा जरूर लग रहा होगा इसमें। तो गाइस अभी हमारी शॉपिंग तो हो गई है, हमारी नहीं मेरी शॉपिंग हुई है, और वो मेरे में मैंने एक शर्ट लिया हवाजू की और एक टी शर्ट लिया बस, बिकॉज मेरे मुझे इतना ही लेना था, हालांकि मुझे लेना था एक, फिर भी मैंने एक और ले लिया है, मतलब ऐसे ही था कंफ्यूजन में था कि देख लूंगा दो ले लूंगा या ऐसे ले लूंगा, पर हो गई है मेरा, अब बाकी और कुछ नहीं लेना, ज्यादा खर्चा नहीं करना है ना। अभी तो सिस्टी के कपड़े बाकी हैं, तो सिस्टी के कपड़े देखते हैं, वो मार्केट में ही जाके ही हो पाएंगे, अंदाजा तो है ही कि सिस्टी को। अरे भाई पीछे गाड़ी लगाई हुई है, और अब लग रही है भूख, और मेरी सासू माँ जी ने दे दी है कड़ी और रोटी, तो खाना तो मिल ही गया है, खा जाके ही खाते हैं अब। मुझे ऐसे पता होता तो हम वहीं बैठ के ही खा लेते, जब पैक करके दे दी थी तो।
तक नहीं दी थी मम्मी से मिलने, पहले तो मैं बाहर से ही आ रही थी। फिर मैं वॉशरूम गई तो फिर मैं मम्मी से भी मिलने चली गई, मम्मी किचन में थी, कह रही रोटी, मेरे का मैं जा रही हूँ, रोटी, मेरे का रोटी तो नहीं, कह रही बोला तो था, तेज बोला थोड़ा, बोला तो था पापा ने, पापा बोले कड़ी चख के चले जाना, अब चखने में और खाने में तो फर्क है ना। मैंने तो सिस्टी के लिए बोला था कि कहने सिस्टी का मतलब तो वही था उनका कि चक्के मतलब खा के चले जाना। तो गाइस चलो अभी सीधा चलते हैं नॉन स्टॉप अब स्टूडियो। बोलो ना क्या कह रहा है, पास आओ बता दो, शादी के बाद भी किसी दीवारों पे गाइज अब हो गया व्लॉग एंड करने का टाइम। तो हम 11 बजे घर आ गए थे और खाना हमने गाड़ी में आते आते ही खा लिया। 11 बजे नहीं था, 10:15 बजे, 10:15 बजे, अच्छा सॉरी 10:15 बजे हम घर पहुंच गए थे इनके कपड़े लेने के बाद, और भूख लग रही थी हमें तो गाड़ी में खाना भी था, मम्मी ने दिया था जैसे कड़ी के साथ रोटी, तो हम खाते खाते ही आ गए। बस ज्यादा आज कुछ खास नहीं सोचा, ये था कि आज बहुत सारा काम खत्म कर लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ से ही निकलते हुए देर हो गई थी, और बस इनका दोनों का हेयर कट ही हो पाया, सिस्टी का और इनका। न्यू लुक आपने इनका देख ही लिया है जो कि मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। कोई नहीं, घर की खेती है, आ जाएगी। तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं, कल देखते हैं कल क्या हो पाता है, क्योंकि हम सोच रहे हैं जाने से मतलब जिस दिन हमें निकलना है उससे पहले हमारी सारी तैयारी हो जाए, एक दिन पहले ही या दो दिन पहले ही, कि एट ए टाइम पे चीजें याद आती है ना तो फिर वो डिले होता है निकलने के लिए। हमारा वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट है, पर मैं कोई मेरी तरफ से कोशिश ये होती है, पर कभी कभार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हमारी एंड मोमेंट पे खराब होती हैं, तो एंड मोमेंट पे जब चीजें खराब होती है ना तो वो चीजें जो सोची नहीं होती है तो उसकी वजह से वो लेट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जानबूझकर हम ये चीज सोचते हैं, जानबूझकर नहीं होता है हमारे साथ, हाँ। मतलब हो जाती है। हाँ तो आज मेरा हेयर कट हो गया, सिस्टी का हो गया, सिस्टी के कपड़े रह गए हैं बस, और मुझे जो लेना था मैंने वो ले लिया है और बाकी देख लेंगे, और वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, अभी नहीं मतलब जब हम निकलेंगे तब आप लोगों को शेयर करेंगे। कल देखते हैं क्या क्या काम खत्म हो पाते हैं। हाँ कल मार्केट तो जाना ही जाना है क्योंकि मार्केट में अभी बहुत सारे काम है। और तो ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ मीटअप के लिए जैसे मैं बता देता हूँ, मीटअप के लिए सोच रहे थे, मीटअप हम करेंगे अभी, मैंने सोचा, एक तरीका सोचा है कि वो मैं आप लोगों को एक कमेंट में लिख के मैं बता दूंगा और पिन कर दूंगा उस कमेंट को, जिससे कि पता चल जाएगा कि क्या चीज है। मैं आप लोगों को अपनी सिंपल अपनी मेल आईडी मुझे कमेंट करनी है, जिसको भी मीटअप करना है उसकी मेल आईडी पे जाकर मैं वहां पे बात करूंगा, और बात करके फिर देन हम मीटअप प्लान करेंगे। ऐसे ही नहीं मैं ओपनली लोकेशन शेयर कर सकता, हाँ मेल पे हम टाइप करके तो फिर हम मीटअप रखेंगे। ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, बोल दिया करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है बोलने में लास्ट के लिए। वैसे खैर वीडियो को जो भी देखता है वो लाइक तो कर ही देता है, जो हर कोई होते हैं, जो करने वाले होते हैं। उसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।